का खबरी मैम परी देवी जी और चलते हैं आज का खबरी भी। भारत में फूड पार्क के लिए 2 बिलियन का निवेश करेगा यूएई। I2U2 की बैठक में हुआ समझौता। 4 देशों के समूह I2U2 जिसमें भारत, इसराइल, यूएई और अमेरिका द्वारा जारी संयुक्त बयान के अनुसार भारत में एकीकृत फूड पार्क की श्रृंखला विकसित करने के लिए यूएई 2 बिलियन का निवेश करेगा। ये दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया में खाद्य और सुरक्षा से निपटने के लिए I2U2 के प्रयासों का एक हिस्सा है। भारत परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध कराएगा। श्रीलंकाई सेना ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करने से किया इनकार। श्रीलंकाई सेना ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग करने के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले गोटाबाया राजपक्षे के अपनी पत्नी के साथ मालदीव भाग जाने के बाद विक्रमसिंघे को श्रीलंका का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। रिपोर्टर्स के मुताबिक राजपक्षे अब मालदीव से सिंगापुर पहुँच गए हैं। सिंगर दलेर मेहंदी गिरफ्तार, हुई 2 साल की जेल। पंजाबी गायक दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर मानव तस्करी करने का आरोप लगा था। इस आरोप में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। पटियाला कोर्ट ने सजा को बरकरार रखते हुए दलेर मेहंदी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भारतीय रेलवे ने कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार जाने वाली ट्रेनों में विशेष प्रबंध किए। भारतीय रेलवे ने कांवड़ यात्रा को देखते हुए कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए हरिद्वार जाने वाली ट्रेनों में विभिन्न प्रबंध किए हैं। रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि 2 ट्रेनों का हरिद्वार तक विस्तार किया गया है। 6 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की व्यवस्था की गई है। 7 ट्रेनों का रायवाला व मोतीचूर में स्टॉपेज किया गया है। वनडे मैच हारा भारत, इंग्लैंड ने सीरीज में बराबरी की। लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे मैच में इंग्लैंड ने भारत को 100 रन से हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। रोहित शर्मा की कप्तानी में 2022 में भारत पहली बार वनडे मैच हारा है। पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने इंग्लैंड को 49 ओवर में 246 रन पर ऑल आउट किया था, जिसके बाद भारतीय पारी 38.5 ओवर में सिमट गई। तो ये थी हमारी आज की सारी खबरें। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए खबरें के साथ, क्योंकि हमारी रहती है हर खबर पर नजर।